हिंदी सिनेमा में मन्ना डे के बेहतरीन गीतों का एक अलग मुकाम है। 6 दशक से ज्यादा समय तक फिल्म इंडस्ट्री को बेहतरीन गीत देने वाले मन्ना डे के गीत आज भी संगीत प्रेमियों के जुबान पर हमेशा चढ़े रहते हैं। आइए आज जानते हैं बेमिसाल इस गायक के बारे में कुछ बातें। 1 मई 1919 को कलकत्ता में जन्मे मन्ना डे का वास्तविक नाम प्रबोध चंद डे है। मन्ना उनका निकनेम है जो उनके अंकल ने उन्हें दिया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदु बाबर पाठशाला से पूरी करने के पश्चात स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज के दिनों वे कुश्ती और मुक्केबाजी जैसी प्रतियोगिताओं में खूब भाग लेते थे। उनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे। संगीत के क्षेत्र में आने से पहले इस बात को लेकर लंबे समय तक दुविधा में रहे कि वे वकील बने या गायक। आखिरकार अपने चाचा कृष्णचंद डे से प्रभावित होकर उन्होंने तय किया कि वे गायक ही बनेंगे। कलकत्ता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने संगीत प्रतियोगिता 3 वर्ष लगातार जीती तो आयोजकों ने उन्हें चांदी का तानपुरा देकर कहा कि वे आगे से प्रतियोगिता में भाग नहीं लें। 23 वर्षीय मन्ना डे को विजय भट्ट की फिल्म रामराज्य में पहला गाने का अवसर संगीतकार शंकर राव व्यास ने दिया। यह एक धार्मिक गाना था। इसके बाद मन्ना डे को धार्मिक गानों के ही ऑफर मिलने लगे जिससे मन्ना डे खफा हो गए। ऐसे वक्त एसडी बर्मन ने उनकी मदद की। बर्मन के संगीत निर्देशन में मन्ना डे ने ऊपर गगन विशाल फिल्म मशाल के लिए गया जो हिट रहा और मन्ना डे के लिए नई राह खुली। धार्मिक फिल्मों के गायक की इमेज तोड़ने में मन्ना डे को लगभग 7 वर्ष लगे। काबुलीवाला के गाने ए मेरे प्यारे वतन से मन्ना डे लोकप्रियता की बुलंदियों को छू लिया। क्लासिकल नंबर्स गाने में मन्ना डे का मुकाबला फिल्म इंडस्ट्री का कोई गायक नहीं कर सकता था। जब भी कोई कठिन गीत होता था संगीतकार मन्ना डे को ही याद करते थे। मन्ना डे के गाने की जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वे सबसे पहले स्टूडियो पहुंच जाते थे। उनका कहना है कि वे गाने को जन्म लेते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए स्टूडियो सबसे पहले पहुंच जाते थे। लागा चुनरी में दाग गाने के लिए जब मन्ना डे को कोई अवार्ड नहीं मिला तो उन्हें बुरा लगा, जबकि ए भाई जरा देख के चलो के लिए जब उन्हें अवार्ड मिला तो उन्हें आश्चर्य हुआ। मन्ना डे की निजी जिंदगी का किस्सा भी काफी रोचक है। मन्ना डे अपनी जीवन संगिनी सुलोचना कुमारन से रविंद्रनाथ टैगोर जयंती समारोह के दौरान मिले थे। केरल में जन्मी सुलोचना का पालन पोषण सब मुंबई में हुआ था। जैसे ही सुलोचना को मन्ना डे ने देखा वो पहली नजर में ही उन पर अपना दिल हार बैठे थे। मन्ना डे सुलोचना से शादी करना चाहते थे। उन्होंने ये बात अपने परिवार वालों के सामने रखी, लेकिन उनके पिता एक बंगाली लड़की को ही अपने परिवार की बहू बनाना चाहते थे। काफी बहस हुई लेकिन माँ ने मन्ना डे का साथ दिया। इसके बाद 18 दिसंबर 1953 को मन्ना डे ने सुलोचना के साथ 7 फेरे लिए। मन्ना डे की शादी के बाद 2 बेटियां हुई। 5 दशकों के करियर में मन्ना डे ने बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और असमी भाषा में लगभग 3,500 से ज्यादा गाने। शास्त्रीय संगीत पर मन्ना डे की पकड़ काफी मजबूत थी। उन्होंने कई क्लासिकल और सेमी क्लासिकल गानों को अपनी आवाज दी। मन्ना डे के गाने को लेकर मोहम्मद रफी ने कहा था, आप लोग मेरे गीत को सुनते हैं लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि मैं मन्ना डे के गीतों को ही सुनता हूं। संगीत की दुनिया में अपने महान योगदान के लिए मन्ना डे को पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अद्भुत आवाज के मालिक मन्ना डे का 24 अक्टूबर 2013 में निधन हो गया। उनके गीत आज भी हिंदी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं।